नमस्कार, जय हिंद। मैं शितेंद्र वर्मा, 2008 बैच IRS, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हरियाणा में ज्वाइंट कमिश्नर GST के पद पर कार्यरत हूं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही लंबी चलती है, तो कई बार मैंने अपने साथियों को भी देखा कि हताशा का सा दौर आ जाता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और अरे, ये जब आप अगर खासकर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार लगता है कि अरे ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इसमें आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम की तैयारी लंबी है। एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम में किसने कैसा परफॉर्म किया है, वही डिसाइड करता है कि आखिर में सफल कौन होगा। मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूँगा कि आपको अपने आप को रोज़ डेली बेसिस पर मोटिवेट करना है, क्योंकि एक लंबे समय के लिए तैयारी चलनी है। एग्ज़ाम का जो पार्ट होता है वो लगभग 7 से 8 महीने चलता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू और रिजल्ट आने तक। तो अपने आप को बहुत आपको मोटिवेटेड रखना है। मैं अपने लिए क्या करता था कि मैंने 10 से 12 वो गाने जो मोटिवेट करते हैं, मुझे याद है उस टाइम पर ये लक्ष्य मूवी आई थी, नहीं तो उसका ये गाना है था कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो इस टाइप के 10-12 गाने मुझे याद है, मैं रिकॉर्ड करके मैं सुबह उठकर सबसे पहले ये गाने सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारे अब जीवन का यही लक्ष्य है, तुम्हें यही करना है। उसके बाद जब मैं बाथरूम में जाता था तो शीशे में अपने आप को देखकर कहता था, आज तुम्हें अपना 100% देना है अपने शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उससे एक्स्ट्रा करना है, छोड़ना नहीं है शेड्यूल को। और शाम को, रात को तैयारी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद खुद से फिर शीशे को देखते हुए पूछता था, अपनी खुद की आंखों में आंखें डालकर, कि अब तुम बताओ क्या आज तुमने वो किया जिसके दम पर तुम एक अधिकारी बनने के योग्य हो। अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ोगे। इस तरह से मैं खुद से बातें कर अपने आप को शीशे में देखकर मोटिवेट करता था कि नहीं, अब कल फिर मेहनत करनी है। ये एक दिन, 10 दिन, 6 महीने मेहनत करने से नहीं होगा। मेहनत तब तक करनी है जब तक कि आपका इस परीक्षा में चयन नहीं हो जाता। तो ये मेरे लिए इस तरह के मोटिवेशन ने काम करा। आपके लिए कुछ और मोटिवेशन हो सकता है। दूसरा जिससे मैं मोटिवेशन होता था, मुझे लगता था अगर मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया तो मेरा अपना खुद का वजूद क्या है, मैंने अपने दम पर क्या किया। क्योंकि फैमिली बिजनेस तो पुराना चला आ रहा था, फैमिली बिजनेस में फादर भी थे, दादाजी भी थे, मेरा अपना कंट्रीब्यूशन उसके लिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि फैमिली बिजनेस करना गलत बात है, पर अगर आपने ये ठान ली है कि आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है तो अपने आप को रोज़ाना किसी न किसी तरीके से मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि जोश और होश दोनों जब साथ में मिलते हैं तभी इस तरह की परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं।